स्वागत। मैं अनुराधा आप सबका धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारे वीडियोस और ऑडियोस को सराहा, लाइक शेयर सब्सक्राइब किया और हमारे YouTube और Spotify चैनल्स पर अपने सजेशंस कमेंट्स दिए। आज हम वास्तु पर फिर मिले हैं विशाल शर्मा जी के साथ। विशाल जी नमस्ते और अभिनंदन। नमस्ते अनुराधा जी, थैंक यू। आज का टॉपिक विशाल जी का बहुत सुंदर और एक अलग ही टॉपिक है, स्वास्तिक। तो विशाल जी, सबसे पहले स्वास्तिक की जो उत्पत्ति है, जो कि सनातन धर्म से उसको बहुत जोड़ा जाता है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से? आज का जो जो विषय स्वास्तिक के ऊपर है, तो अगर हम अगले अगले पेज पे जाएंगे तो स्वास्तिक का पहले तो मतलब क्या रहता है, तो इसको इसको दो शब्दों से बनाया गया है। एक का एक शब्द जो है सू, जिसका मतलब है गुड यानी अच्छा, और अति यानी एग्जिस्ट, जो कि एग्जिस्ट करता है इस ब्रह्मांड के अंदर। जब इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, कहते हैं कि लेट गॉड प्रिवेल, यानी भगवान की विजय हो या उस काम में हमें विजयश्री मिले। तो स्वास्तिक आपने जैसे देखा कि हम अपने घरों में जो है, सबसे कोई भी त्यौहार होता है, दिवाली होती है या कोई भी अच्छा त्यौहार होता है, तो हम अपने पहले के ज़माने में, खैर अभी भी लोग करते हैं कि लोग अपने घर में घर की चौखट के बाहर, दरवाजे के बाहर राम राम या स्वास्तिक का निशान बनाते हैं या ओम का निशान बनाते हैं। स्वास्तिक का जो जो पावर है वो ओम से भी ज़्यादा है, जो मैं बताऊँगा आगे, लेकिन स्वास्तिक इज़ वेरी पावरफुल। तो जैसे मैंने बोला कि ये हमें भगवान ने ही दिया है, ये हमारे वेदों में लिखा गया है। इनफैक्ट यजुर्वेद में एक मंत्र है जो इसकी एक्चुअली व्याख्या करता है कि इसकी इसका क्या मतलब है। तो वो मंत्र है जो हम लोग पढ़ते भी हैं अपने पूजा पाठ करते वक्त। हाँ, उसका जो प्रोनंसिएशन, मतलब वो जो मंत्र है वो करना भी चाहिए। और जैसा आपने बोला कि वो यजुर्वेद में भी लिखा हुआ है, इनफैक्ट पूजा में लिखा गया है कि सब, जब आप पूजा शुरू करते हैं और देवताओं का आह्वान करते हैं, तो आप ये बोलते हैं, ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहदश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्वे देवाः, स्वस्ति न स्त्राक्षो अरिष्ट नेमि, स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधात। हाँ, तो अब इसमें, अब देखिए आप इसकी कैसे लिंकेज की गई है। तो इसमें जो जैसे सब स्वस्ति ना इंद्रो, तो इंद्र भगवान का पहले ही पंक्ति में नाम आया है। तो इंद्र भगवान जो इंद्र जो देवता हैं, वो सारे रिचेस, जो सारे जो आपको ऐश्वर्य है, ये जो भौतिक संसार की चीजें चाहिए, वो उनके उनका एक तरीके से कारक है। तो वो आपको वो सारी चीजें, सुख मिलता है जो भौतिक सुख है, तो इंद्र उसमें आते हैं। फिर उसमें अगले में आया स्वस्ति ना पूषा, जो पूषान देवता हैं उसका आया है, ठीक है, जो कि आपके लिए आपको स्ट्रेंथ देंगे, आपको नॉलेज देंगे या वर्ड ब्लेस देंगे। फिर गरुड़ आया है, गरुड़ जो कि जैसे भगवान राम के लिए जिन्होंने हेल्प करी, गरुड़ ने हेल्प करी थी, या गरुड़ जो है सांप को मारने में आगे रहता है, ठीक है। तो सांप जो है वो राहु है, फॉर एग्जांपल के लिए, तो गरुड़ जो है वो राहु से आपको बचाता है, या आपको कोई भी ऑब्स्टिकल जो है उससे बचाएंगे गरुड़ देव। तो गरुड़ का नाम आया स्वस्ति नक्ष स्वस्ति नस्तक्ष अरिष्ट नेमी। तो ये जो आपका नस्तक्ष जो है, ये एक्चुअली गरुड़ का वाहन है, तो अभी हम आगे देखेंगे। तो वहां पे गरुड़ का रेलेवेंस आया है। और आखिर में बृहस्पति का नाम आया, जो हमारे देवता है, गुरुओं के देवता है। तो आपको नॉलेज चाहिए, विजडम चाहिए, तो वो आपको जो है बृहस्पति देते हैं। तो यहाँ से आपको पता चला कि जो जो ये जो चार देवता है, इनका रेलेवेंस है। अब इसका स्वास्तिक से क्या रिलेशन है, तो वो भी आगे देखते हैं। तो इसमें एक और चीज बताई गई है, जो जैसे आप नक्षत्र पढ़ाती हैं, आपको तो ज्यादा जानकारी है। तो इंद्र जो है, जो ईस्ट में जो है, वो बताया गया है कि ईस्ट में चित्र जो है, चित्र जो नक्षत्र है, उनका भी इंद्र से लिंकेज है, ठीक है। तो इंद्र जो है ईस्ट में है, वहां पे चित्र आते हैं। चित्रा से बिल्कुल अपोजिट जो है रेवती नक्षत्र बैठे हैं, जो कि आपको पूषा जो देवता है उनसे लिंकेज किया गया है। और फिर बताया गया है कि ऐसा शास्त्रों में हमारे बताया गया, जो यजुर्वेद है और जो जो अलग जो जो स्क्रिप्चर्स हैं उनमें बताया गया। फिर चित्रा से जब आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाएंगे, तो आपको श्रवणा नक्षत्र मिलेंगे, जो कि विष्णु भगवान का नक्षत्र है। और उसके 180 डिग्री अगर आप अपोजिट नॉर्थ में जाएंगे, तो आपको पूषा के देवता मिलेंगे, जो कि बृहस्पति है। तो ऐसे चार देवताओं का, चार नक्षत्रों का लिंकेज आ गया, चार देवताओं का आ गया। अब अगर हम आगे जाएंगे, तो अगर हम अगले पेज पे जाएंगे, तो फिर आप देखते हैं कि हम जब जब स्वास्तिक बनाते हैं, तो स्वास्तिक के चार जो जोन होते हैं ना, उसमें बिंदु भी लगाते हैं, हर बिंदु को लगाते हैं। ऐसे स्वास्तिक बनाएंगे और हर जोन के अंदर एक बिंदु लगा देते हैं। कुछ लोग लगाते हैं, कुछ लोग नहीं लगाते। वो जो चार बिंदु लगाते हैं, वो इन चार देवताओं को जो है हम प्रणाम कर रहे हैं, या उनको एक तरीके से उनको स्थापित कर रहे हैं, कि जैसे हम बनाया कहीं पे भी प्लेट में बनाया या मेटल पे बनाया, तो वो करते हैं। तो वो बृहस्पति जो है वो एक बिंदु है, फिर इंद्र एक बिंदु है, फिर तरकाश्य जो कि नो ऑब्स्टिकल्स के लिए हैं, जो कि गरुड़ का वाहन है, वो एक बिंदु है, पूषा जो है आपकी हेल्थ के लिए है। तो ये चार देवता आपके बने हुए हैं। अब इसमें इसकी क्या पावर है, तो जैसे अगर आप इसको एक एनर्जी स्केल में देखें कि भाई ह्यूमंस जो हैं
उसमें समझिए कि कुछ पावर है। तो ह्यूमन की जो पावर है और जो स्वास्तिक की जो पावर है उसमें 1 मिलियन का अंतर है मैग्नीट्यूड का। तो अगर मैं कोई काम करूंगा उसकी पावर समझो 1 है, तो स्वास्तिक की जो पावर है उससे 1 मिलियन टाइम्स है। तो अगर ह्यूमन मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करूंगा तो स्वास्तिक मेरे को 1 मिलियन टाइम्स से प्रोटेक्ट करता है, और ओम उससे नीचे आता है 65,000 के आसपास, तो ओम का 100,000 के आसपास है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ओम स्वास्तिक इज हाईली पावरफुल देन ओम एंड देन ह्यूमन। तो आप जो मंत्र करेंगे, आप जो कोई भी प्रोटेक्शन के लिए कोई चीज करेंगे, उससे पावरफुल है मिलियन टाइम्स स्वास्तिक। स्वास्तिक के अंदर इतनी पावर है। तो जब आप स्वास्तिक अपने घर में स्थापित करते हैं या बनाते हैं, तो आप उतनी 1 मिलियन टाइम उसकी एनर्जी को अपने घर में प्रेजेंट कर रहे हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब उस प्रोटेक्शन में चार चीजें आ रही हैं, आप इंद्र को भी लेके आ रहे हैं, आप बृहस्पति को भी लेके आ रहे हैं, आप गरुड़ को भी लेके आ रहे हैं, और आप पूषा को भी लेके आ रहे हैं। तो आप हेल्थ भी लेके आ रहे हैं, विजडम भी लेके आ रहे हैं, आप वेल्थ भी लेके आ रहे हैं, और आप अपने आप अपनी प्रोटेक्शन को भी करो। तो ये स्वास्तिक के चार जो जोन्स हैं वो भी लेके आते हैं। अब इसको देखते हैं कि स्वास्तिक जब वास्तु में हम जब यूज करते हैं तो उसका घर के एंट्रेंसेस पे क्या रेलेवेंस है। तो अगर हम आगे जाएंगे तो स्वास्तिक के जहां से शुरुआत होती है, जो चार मैंने कोने ऐसे बनाए जिनको हम कार्डिनल डायरेक्शन बोलते हैं, टी टी टी, तो ये चार कार्डिनल डायरेक्शन है। तो अगर ये चार डायरेक्शन आप देखेंगे तो एक है नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। तो ये चार कार्डिनल डायरेक्शन है। तो यहाँ पे कभी भी हम बोलते हैं कि कभी भी घर की एंट्रेंस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एंट्रेंस खुलने से आपको हमेशा परेशानी होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो जैसे नॉर्थ ईस्ट में है तो आप वाटर से एयर में कर रहे हैं, साउथ ईस्ट में अग्नि ही रहती है तो एयर से अग्नि की तरफ जा रहे हैं, साउथ वेस्ट में आप जो है अग्नि से अर्थ की तरफ जा रहे हैं, और नॉर्थ वेस्ट जो है वहाँ पे जो है वाटर से आपका जो है सॉरी अर्थ से वाटर की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो चार जो ट्रांसफॉर्मेशन जोन है, यहाँ पे कभी भी स्वास्तिक यहीं पे खत्म होता है आके, यहाँ पे कभी भी एंट्रेंसेस नहीं होनी चाहिए। ये एंट्रेंसेस आपको हमेशा जो है घर की एंट्रेंसेस आपको कुछ ना कुछ परेशानी देंगी। साउथ ईस्ट की होगी तो चोरी करवा देगी, नॉर्थ ईस्ट का होगा तो आपका जो ओनर ऑफ द हाउस है उसको प्रॉब्लम आ जाएगी, साउथ वेस्ट में तो और भी परेशानी होती है, ठीक है, और नॉर्थ वेस्ट में तो नॉर्थ वेस्ट में और आपको जो है खास तौर से आपको शरीर की परेशानी होगी या कोई ना कोई बीमारी होगी। तो ये चार कार्डिनल डायरेक्शन जो स्वास्तिक के जहाँ पे खत्म होते हैं वहाँ पे नहीं बनाते। कहाँ पे बनाते हैं वो इंटरेस्टिंग है कि जो स्वास्तिक जहाँ पे सेंटर पॉइंट्स हैं, नॉर्थ में जो हमने अभी चार नक्षत्रों की बात करी, देवताओं की बात करी, पूषा, चित्रा, रेवती, है ना, तो ईस्ट में जहाँ पे जी लिखा हुआ है, नॉर्थ में जी लिखा हुआ है, और यहाँ पे जी और यहाँ पे जी, तो यहाँ पे अगर आप एंट्रेंस रखेंगे तो आपके लिए अच्छी मानी गई है। और अब जब हम डिवीजन करते हैं वास्तु में तो हम कहते हैं कि हर हर डायरेक्शन में आठ आठ जोन है, तो 8 × 4 = 32, 32 डायरेक्शन मानी जाती है, सॉरी 32 जोन माने जाते हैं जिसमें आप एंट्रेंस खोल सकते हो। तो मजेदार बात क्या रहती है कि स्वास्तिक का जो सेंटर है, जहाँ पे सेंटर होता है वहां पे अगर आप एंट्रेंस खोलेंगे तो आपके लिए लाभदायक रहती है। और वो हमने अभी चार नक्षत्रों से भी देखी है कि सेंटर में जो है स्वास्तिक के सेंटर में आती है। अब इसमें एक और चीज होती है कि मैंने यहाँ पे E1 से लेके E8 लिखा है, तो मैंने बोला कि E1 का मतलब है नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ ईस्ट तक आठ एंट्रेंस है, ऐसे ही साउथ में लेके और वेस्ट से लेकर S1 से लेके S8 आठ एंट्रेंस होंगी, और ऐसे ही साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ वेस्ट तक ऐसे W की आठ एंट्रेंस होंगी, W1, W4, और ऐसे ही यहाँ से नॉर्थ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट तक नॉर्थ की आठ एंट्रेंस रहेंगी। तो जो सेंटर में एंट्रेंस आती है, तो चूंकि हर एंट्रेंस जो होती है वो स्टार्टिंग होती है एक अपने से और एट पे खत्म होती है, तो 1 की एंट्रेंस का मतलब है कि वहां पे जो एनर्जी है वो पैदा हुई है, और 8 में आके जो एनर्जी जो है वो खत्म हुई है, यानी मृत्यु का स्थान है, और 1 पे जो है जन्म का स्थान है। तो बीच में जो होती है वो एडल्ट की जो जो चाइल्ड होता है, जो चाइल्ड होता है और जो एडोलेंस एज होती है वो होती है, जो बीच की, जो तो बीच के द्वार मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसे चाइल्ड बनाया हुआ है E3 E4, सिमिलरली S4 S3, W4 W3 और N3 N4। ये जो चार मजेदार बात ये कि चारों ये जो जोन है, जो द्वार आते हैं वो सेंटर में यहीं पे आते हैं। तो स्वास्तिक की प्रोटेक्शन जो है वो आपको कार्डिनल डायरेक्शन से प्रोटेक्ट करता है जब आप बनाते हो, और अगर आप इस डायरेक्शन में अपने द्वार बनाते हो, घर की एंट्रेंस बनाते हो, तो वो आपके लिए लाभदायक होता है। ये स्वास्तिक से कनेक्शन है इसका, कि आप हमेशा सेंटर की जो डोर्स हैं वो घर में बनाइए, और कभी भी कार्डिनल डायरेक्शन यानी जहाँ पे स्वास्तिक खत्म होता है, जहाँ पे चार एरियो में, वहां पे कभी भी डोर्स मत बनाइए। ये एक उसकी रेलेवेंस है, ठीक है। अब जैसे मैंने ऊपर लिखा भी हुआ है, हमें मालूम है सन जो है ईस्ट में आते हैं, इंद्र होता है,
तो अगर आप ईस्ट में, अगर आपका घर नहीं होगा या ईस्ट की डायरेक्शन में आपका जो डोर होगा, एंट्रेंस अगर खराब होगी या दूषित होगी, तो आपको हमेशा गवर्नमेंट गवर्नमेंट से प्रॉब्लम आएगी। कभी भी गवर्नमेंट से प्रॉब्लम आ सकती है, काउंसिल से प्रॉब्लम आ सकती है, ब्यूरोक्रेट्स के साथ प्रॉब्लम आती है। साउथ का खासतौर से मज़ेदार बात है कि साउथ की अगर डायरेक्शन खराब होती है तो आपको, आपके घर पे टैक्स की रेट पड़ जाएगी, लॉ एजेंसीज के साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। ये साउथ की डायरेक्शन अगर खराब होती है या साउथ की डायरेक्शन ठीक नहीं होती, ठीक है। सिमिलरली अगर वेस्ट की डायरेक्शन आ जाती है तो सैटर्न आ जाता है, क्योंकि सैटर्न जज का कारक है, लॉ का कारक है, तो आपको लिटिगेशन के प्रॉब्लम आ जाते हैं कि अगर आपकी वहाँ पे डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में आपका द्वार अगर दूषित है या आपकी सैटर्न वेस्ट की डायरेक्शन दूषित है, तो आपको हमेशा कोर्ट केस की प्रॉब्लम जरूर दिखेगी लिटिगेशन की। और अगर नॉर्थ में आपकी एंट्रेंस दूषित है या आपका जोन दूषित है, तो आपको, चूंकि नॉर्थ में बिजनेस है, चंद्रमा है, तो आपको वेल्थ की प्रॉब्लम आएगी या आपके बिजनेस में प्रॉब्लम आएगी। ये इसका स्वास्तिक से लिंकेज है, तो आप ऐसे इसको देख सकते हैं। तो इसलिए स्वास्तिक का स्थापित करना घर में बहुत जरूरी है, और खास तौर से घर के सेंटर में अगर स्वास्तिक स्थापित किया जाए तो बहुत अच्छा रहता है। एक बार और पीछे जाएंगे, एक बस एक पॉइंट और है कि स्वास्तिक को ड्रॉ करने के लिए, जैसे मैंने बोला है कि ये चार बिंदु जो हम करते हैं, तो चारों देवताओं को जो यहाँ पे बताएं, एक और चीज है स्वास्तिक को ड्रॉ करने की विधि ये रहती है कि आप कहीं से भी स्टार्ट करिए, लेकिन कभी भी क्रॉस मत करिए। इसलिए बीच में सफेद सफेद दिख रहा है, राउंड सर्कल दिख रहा है, तो आप कभी भी स्टार्ट करिए, आइए और इसे सर्कल के ऊपर से जाइए, फिर चले जाइए और वापस आके सर्कल को कंप्लीट करिए बीच का, पर कभी भी क्रॉस मत करिए स्वास्तिक को, एनर्जी को कभी भी क्रॉस नहीं करते। तो यूट्यूब पे आपको कोई वीडियोज भी मिल जाएंगे, अगर आपने, और एक और तरीका है जिसको बनाने का, कि भाई आप आपस में ना मिलाएं तो आप उसको ड्रॉ बिना, मतलब बिना क्रॉस किए आप करिए, और ये चार बिंदु का स्थापित जरूर करिए, क्योंकि चार बिंदु जो है ये चार देवताओं को, इन जोन्स को एस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। अब आगे जाएंगे, अब यहाँ मैंने इसलिए लिखा है कि हिटलर ने जो है ना स्वास्तिक को उल्टी डायरेक्शन में बनाया, तो जब स्वास्तिक को अगर आप रोटेट करेंगे, जैसे मैंने इसको अभी रोटेट किया, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो ठीक है, लेकिन अगर आपने उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया तो आपकी आपकी अपनी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी थी। और यही काम हिटलर ने किया कि स्वास्तिक को उल्टा घुमाना शुरू कर दिया, उसकी जो रोटेशन है वो उल्टी डायरेक्शन में बन गई। अब फिर आपने देखा कि उसके साथ क्या हुआ, आगे बढ़ा और बाद में सब डिस्ट्रक्शन हो गया। तो इसलिए स्वास्तिक को यूज करना जो है, अच्छे तरीके से यूज करें, सही डायरेक्शन में यूज करें तो आपके लिए लाभदायक है, लेकिन अगर उसका गलत प्रयोग, हम जैसे कहते हैं कि किसी भी चीज का गलत प्रयोग करोगे तो आपकी खुद ही डिस्ट्रक्शन हो जाती है। तो स्वास्तिक के लिए ये एक पॉइंट है कि आप उसको गलत डायरेक्शन में यूज ना करें। अब आगे जाएंगे, और इसका एक और जो हमारे जो नक्षत्रों से या हमारे जो कॉन्स्टेलेशन से, उससे जो ये है, उससे क्या कनेक्शन है, तो उसमें जो है हमारे जो जो क्या बोलते हैं, ऋग्वेद में सप्तऋषियों का नाम दिया गया है, कि जो जी सप्तऋषि, तो उसका नाम, जहाँ मुझे लगता है रक्ष करके कुछ नाम है, मुझे ठीक से पता नहीं है, तो ये मैं रिसर्च जब कर रहा था तब समझ में आया। तो सप्तऋषि हैं, तो उसमें क्या है कि जैसे ये चार सात स्टार हैं, एक एक बोल बनाता है, और एक बोल और बॉडी बनाता है, और एक हैंडल बनाता है, तीन और चार का कॉम्बिनेशन है। तो ये क्या कहता है कि जैसे जो हमारा जो ध्रुव तारा है ना, नॉर्थ पोल जो है, तो नॉर्थ पोल से स्प्रिंग के टाइम पे वो ऐसे दिखता है, स्प्रिंग के टाइम पे उसकी पोजीशन ऐसे दिखती है नॉर्थ की तरफ, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये नॉर्थ पोल पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिखेगा। फिर जब वो विंटर जब आता है, यानी वो दक्षिण दक्षिणायन और उत्तरायण का, जैसे सूर्य की मूवमेंट रहती है उस हिसाब से इनकी मूवमेंट चेंज होती है, तो फिर विंटर में जब आएगा तो उसकी मूवमेंट जो है वो नीचे की तरफ हो जाती है, ठीक है, वही वही। फिर जब आप फॉल की तरफ जाते हैं, यानी आप जब दूसरे तीसरे सीजन में जाते हैं, तो उसकी मूवमेंट ऐसे हो जाती है, और फिर वो समर में आके फिर वो ऊपर चला जाता है। जब आप इन चारों के इफेक्ट को जोड़ देते हैं तो ये खुद स्वास्तिक बन जाता है। अगर आप इन चारों की स्टेशनरी पोजीशन को जोड़ के, नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ पोल के ऊपर घूमता है, तो नॉर्थ पोल को अगर सेंटर मान लें, ध्रुव तारे को अगर आप सेंटर मान लें, तो ये आपका स्वास्तिक बना देता है। तो कहने का मतलब है कि हमारे ब्रह्मांड में भी इसकी आपको कनेक्शन मिल जाएगा। तो ये एक अपने आप में बहुत ही डिवाइन सिंबल है, और जिसकी मैंने बोला कि पावर ह्यूमन से 1 मिलियन टाइम्स ज्यादा एनर्जी है इसके अंदर। तो इसके अंदर इतनी शक्ति है कि अगर आप इसको अपने घर में स्थापित करें तो आपके लिए वेल्थ भी लेके आता है, आपके लिए हेल्थ भी लेके आता है, आपकी जो जो कठिनाई है लाइफ में, जो परेशानी आ रही है, क्योंकि गरुड़ का वाहन है ये, तो आपको उसमें हेल्प करता है। और खास तौर से जैसे साउथ वेस्ट में है, तो साउथ वेस्ट में आप धनुष का धारण कर लें, फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो धनुष जो कि समुद्र मंथन में भी निकल के आया था, जहाँ तक मुझे मालूम है, तो आप समुद्र मंथन में निकल के आया, तो उसे एक आइटम है धारण कर। तो ऐसे स्वास्तिक इज सो इम्पॉर्टेंट, नॉट ओनली इन जस्ट मंत्रास, बट ऑल्सो इन योर डे टू डे हारमनी, या आपके वास्तु के हिसाब से अपने घर में। तो स्वास्तिक की बहुत रेलेवेंस है, इसको हमें यूज करना चाहिए, और
और जैसे मंत्र जैसे आपने पढ़ा है, आपने रिसाइट किया, अगर उसका रिसाइटेशन करें तो वो और भी पावरफुल रहता है। तो यही एक है मेन रेलेवेंस। हम प्राचीन काल में और अभी भी बहुत घरों में स्वास्तिक का को जो हम बोलते हैं कि उसको बनाना या मानना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इससे हमें समझ में आ रहा है कि जो हमारे पुराने जो रीति रिवाज थे उनके सबके पीछे एक साइंटिफिक रीजन था, एक बेसिस था, जिसके कारण वो हमारे प्रोटेक्शन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थे। वास्तु के छोटी छोटी चीजें यदि हम अपने जीवन में ले आते हैं तो हमारे घर में सुख संपत्ति या जो खुशी जिसे हम आजकल बहुत ढूंढ रहे हैं, हैप्पीनेस, पीस ऑफ माइंड जिसको हम बहुत ढूंढ रहे हैं, वो शायद हमारे लिए बहुत अच्छे से और बहुत आसानी से उपलब्ध हो। और विशाल जी, इस टॉपिक को इतने सुंदर ढंग से बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये साइंटिफिक बेसिस इसका बताने के लिए कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं और उसको हमें कैसे करना चाहिए, और यदि किसी ने गलत इसका उपयोग किया इस एनर्जी का तो उसका भी दुष्परिणाम क्या हो सकता है, इन सबको बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू नवाज। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।